सभी की रसोई में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अब बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं और बच्चों को हर रोज टिफिन में कुछ डिफरेंट टाइप का चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 तरीके की सैंडविच बताने जा रही हूँ। हम बना रहे हैं सैंडविच नंबर 1। इसके लिए हमने लिया हुआ है फ्रेंड्स, सैंडविच नंबर 1 में हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं ग्रीन सैंडविच। इसके लिए हमने लिया हुआ है पनीर, 2 टमाटर, पालक, 4 आलू। फ्रेंड्स, ये बॉयल आलू हैं और कुछ ब्रेड स्लाइस। ब्रेड स्लाइस आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, आपको जितनी भी सैंडविच बनानी है उस हिसाब से। फ्रेंड्स, अब इस पालक को हम अच्छे से महीन पीस लेंगे और टमाटर को चॉपर की सहायता से बिल्कुल महीन काट लेंगे और आलूओं की हम मसाला तैयार करेंगे ब्रेड में भरने के लिए। फ्रेंड्स, मसाला तैयार करने के लिए हमने यहाँ कढ़ाई रखी हुई है। कढ़ाई में मैंने 1 स्पून ऑयल डाला हुआ है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें कुछ राई के दाने डालूंगी। राई हमारी भुन चुकी है, अब हमने जो आलू लिए हुए थे उन आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें आलू, नमक, दाल मसाला, अमचूर पाउडर, हल्दी, टमाटर है जो कि मैंने बारीक कट कर ली है। टमाटर ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू मसाला तैयार है। अब इसमें आप थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप प्याज डालना चाहें प्याज डाल सकते हैं। आलू मसाला तैयार हो चुका है। अब हम एक बाउल में फ्रेंड्स यह 1 स्पून बेसन लेंगे और फ्रेंड्स, जो हमने पालक लिया हुआ था उसको मैंने पीस लिया है। अब हम इस पालक से इस बेसन को अच्छे से एक घोल बनाएंगे। फ्रेंड्स, पालक को आप इस प्रकार ही डालें। एक साथ डालने से बेसन हमारा पतला हो सकता है, इसलिए आप इस प्रकार थोड़ा थोड़ा डालकर पालक और बेसन का घोल तैयार करें। फ्रेंड्स, ये देखिए बेसन और पालक का घोल इस प्रकार से होना चाहिए। हमें अधिक गाढ़ा या अधिक पतला नहीं करना है। अब हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स नमक हमने ऑलरेडी आलू में डाला हुआ है, इसलिए आप इसमें हल्का सा ही डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने ब्रेड्स ली थी और जो हमने अपना आलू मसाला तैयार किया था, अब आप आलू मसाला को इस प्रकार ब्रेड पर लगाएं। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप इसको ब्रेड पर लगाएं और अपनी दूसरी ब्रेड, फ्रेंड्स जो हमने पनीर लिया हुआ था उसकी भी मैंने इस प्रकार स्लाइस काट ली है। अब आप इस पे इस प्रकार से पनीर स्लाइस लगाएं और दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रख दें। फ्रेंड्स, अब हम अपने पैन को गरम करेंगे। पैन में आप हल्का सा ऑयल डालिए। फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत कम ऑयल की जरूरत होती है। ऑयल को आप इस प्रकार से ग्रीस कर ले पैन में। अब हमने जो पालक और बेसन का मिक्स घोल तैयार किया था फ्रेंड्स, उसको हमें ब्रेड को इस प्रकार से इसमें डिप कर लेना है, या आप चाहें तो ब्रेड पर इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हैं।
फ्रेंड्स ये कुछ डिफरेंट टाइप सैंडविच हो जाती हैं, जो कि बच्चों को भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और कुछ अलग बनती हैं। इस प्रकार से आप इसको कवर कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने ब्रेड रखी थी इस पे उखोने, वो हमारी अच्छे से उखो चुकी है। अब हम इसको दूसरी साइड पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ब्रेड का कलर कितना अच्छा आया है और फ्रेंड्स ये बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार होती है। अब हम इसे इसी प्रकार दूसरी तरफ बनने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ब्रेड दूसरी तरफ भी अच्छे से कुक हो चुकी है। आप देख सकते हैं ब्रेड का कलर कितना ही अच्छा लग रहा है और बच्चों के लिए भी एक नया हो गया ग्रीन सैंडविच। अब हम इसको निकाल कर प्लेट में रख लेंगे और फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम अपनी और भी ब्रेड्स तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रीन सैंडविच बनकर तैयार है। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और हेल्दी भी होती हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी फूड कलर यूज नहीं किया है बल्कि पालक डालकर हमने इसको ग्रीन किया हुआ है। फ्रेंड्स बच्चों को भी कुछ डिफरेंट मिलेगा, तो आप इस प्रकार से डिफरेंट टाइप सैंडविच बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने और भी सैंडविच डाली हुई है, आप अगर उनकी रेसिपी देखना चाहें तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल लवली की रसोई को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।